रविवार को श्योपुर शहर निवासी 22 वर्षीय युवती परिजनों और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ कोतवाली थाने पर पहुंची। पीड़िता ने मुस्लिम समाज के युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर पिछले 2.5 साल से दरिंदगी करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह अब तक ब्लैकमेलिंग करके 4,70,000 रुपए ऐंठ चुका है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी पहले से शादीशुदा था, फिर भी वह गुमराह करता रहा। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने इस मामले में जमकर हंगामा किया। उन्होंने इस मामले को लव जिहाद का बताया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पीड़िता की शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शहर के जयश्री पैलेस का है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक सानू उर्फ अब्दुल कासिम 2.5 साल पहले उसे बहला फुसला कर कहीं ले गया था। वह पहले से शादीशुदा है, उसके बावजूद आरोपी ने युवती को शादी करने का झांसा दिया, उसके साथ बलात्कार करके उसका अश्लील वीडियो बनाया। उसके बाद से आरोपी लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। सतीश दुबे TI कोतवाली श्योपुर ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर सानू उर्फ अब्दुल कासिम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना आरम्भ कर दी गई है। विवेचना उपरांत मिले तथ्यों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लड़की को करीब 3 साल से एक विधर्मी परेशान कर रहा है और उसका वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी देकर के उसको 3 साल से बराबर दैनिक और आर्थिक दोनों तरह का शोषण कर रहा है। दखल देना पड़ा कि ये सीधा सीधा लव जिहाद का मामला। फरियादी आई है जिसने बताया कि करीब 2.5 साल पहले एक मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा उसको महिला फुसला कर उसका दैनिक शोषण किया और आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया है। इस रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। लव जिहाद का मामला है सर, अब ये तो अब विवेचना के बाद ही स्पष्ट है।